नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे जीवन के आसपास बहुत सी चीजें विद्यमान हैं, लेकिन जब तक हम उसके गुण और प्रभाव से अनभिज्ञ हैं तब तक उसका लाभ नहीं उठा पाते। जी हाँ, हम अखरोट की बात कर रहे हैं। ये अखरोट भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी दो जातियां पाई जाती है, जंगली अखरोट जो कि 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर अपने आप उगते हैं और इसके फल का छिलका मोटा होता है, लेकिन कृषि जन्य अखरोट का पेड़ 40 से 90 फुट तक ऊंचा होता है और इसके फलों का छिलका पतला होता है। इसे हम कागजी अखरोट कहते हैं। पर्वतीय देशों में होने वाला पीलू को ही हम अखरोट कहते हैं। इसका नाम कर्प पाल भी है। अखरोट में मौजूद तत्व हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। अखरोट में मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के तथा आयरन भी पाया जाता है। अखरोट की तुलना चिलगोजा और चिरौंजी से की जा सकती है। अखरोट गर्म व खुश्क प्रकृति का होता है। अखरोट पित्त प्रकृति वालों के लिए हानिकारक होता है। अनार का पानी अखरोट के दोषों को दूर करता है। अखरोट बहुत ही बलवर्धक है और हृदय को कोमल करता है। हृदय और मस्तिष्क को पुष्ट करके उत्साही बनाता है। इसकी भुनी हुई गिरी सर्दी से उत्पन्न खांसी में लाभदायक है। यह वात, पित्त, टीबी, हृदय रोग, रुधिर दोषवात, रक्त और जलन को नाश करता है। आप अखरोट का सेवन 10 ग्राम से 20 ग्राम तक की मात्रा में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं अखरोट खाने की सही विधि। 20 ग्राम अखरोट को एक गिलास दूध में डालकर उबाल लें। उबलने के बाद इसमें मिश्री डालकर अच्छी तरह से मिला लें। फिर थोड़ी देर के बाद इस मिश्रण का सेवन करें। यह है अखरोट खाने की सही विधि। इसके अलावा जो डायबिटीज के रोग से ग्रसित हैं, वो रात को 20 ग्राम अखरोट पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसे खा सकते हैं। अखरोट के सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसमें मौजूद विटामिन ई, ओमेगा 3 तथा एंटीऑक्सीडेंट तत्व मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। अखरोट में मौजूद विटामिन और खनिज तत्व उम्र के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को भी दूर रखने का काम करता है। ओमेगा 3 की कमी से तनाव, गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, लेकिन अखरोट के सेवन से इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। अखरोट के सेवन से डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। अखरोट के सेवन से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। नियमित अखरोट के सेवन से रक्त में थक्के बनने की संभावना भी कम हो जाती है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो साबुत यानी कि छिलके और गिरी सहित अखरोट को कूटकर छानकर एक चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी से कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन करने से पथरी मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। अखरोट को छिलके समेत पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। एक एक चम्मच चूर्ण ठंडे पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम खाएं। इससे पेड़ों का दर्द और पथरी दोनों ठीक होती हैं। जिन लोगों को फुंसियां अधिक निकलती हो तो एक साल तक रोजाना प्रतिदिन सुबह के समय 5 अखरोट का सेवन करते रहने से हमेशा के लिए लाभ हो जाता है। जिन लोगों को टीबी रोग की शिकायत है तो इनके लिए 3 अखरोट और 5 कली लहसुन पीसकर 1 चम्मच गाय के घी में भूनकर सेवन कराने से टीबी में लाभ होता है। जिन माँ में दूध की कमी होती है तो वो गेहूं की सूजी 100 ग्राम, अखरोट के पत्ते 10 ग्राम को एक साथ पीसकर दोनों को मिलाकर गाय के घी में पूरी बनाकर 7 दिन तक खाने से माँ के दूध की वृद्धि होती है। खांसी होने पर अखरोट गिरी को भूनकर चबाने से लाभ होता है। छिलके सहित अखरोट को आग में डालकर राख बना लें और इस राख की 1 ग्राम मात्रा को 5 ग्राम शहद के साथ चाटने से भी खांसी में लाभ होता है। अखरोट को गर्म दूध के साथ सेवन करने से बच्चों के पेट में मौजूद कीड़े मर जाते हैं तथा पेट के दर्द में आराम देता है। कुछ दिनों तक शाम को 2 अखरोट खिलाकर ऊपर से दूध पिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। अखरोट की छाल का काढ़ा 7 से 80 ml पिलाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों, हृदय की दुर्बलता होने पर अखरोट खाने से दिल स्वस्थ बना रहता है। रोज 1 अखरोट खाने से हृदय के विकार 50% तक कम हो जाते हैं और इसे हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है। इस अखरोट के असर से शरीर में वसा को पचाने वाला तंत्र कुछ इस कदर काम करता है कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा
कम हो जाती है। हालांकि रक्त में वसा की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अखरोट में कैलोरी की अधिकता होने के बावजूद इसके सेवन से वजन नहीं बढ़ता और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसी तरह दोस्तों अखरोट के और भी ढेर सारे फायदे हैं, मैं इन फायदों का जिक्र अगले वीडियो में करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।